मैं बताता हूँ यार, यहाँ पर अपना सीन क्या है। यहाँ पर गया अपना कट चैनल। तो यार आज का किसी ना आज का आपको बता देता हूँ, आज जा रहे हैं अपना सर्विस ऑनचेरियो का फोटो आईडी कार्ड बनवाने। अब ये क्या है, क्यों बनवा रहा हूँ यार, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बताऊँगा यार, क्योंकि ठीक है। तो यार सर्विस ऑनचेरियो क्या है भाई, अगर आप ऑनटेरियो में आ रहे हो, ऑनटेरियो की किसी भी सिटी में, डजंट मैटर, आपके पास सपोज अभी आपने डीएल नहीं बनवाया, आपके पास डीएल नहीं है, या कुछ भी, आपको एक आईडी चाहिए यार, ठीक है। आपको एक कैनेडा की आईडी चाहिए, जैसे बहुत जगह होती है, जैसे जहाँ पर आपको अपनी आईडी शो करनी होती है, चाहे वो क्लब हो, चाहे कहीं पे भी यार, आपको हर जगह अपनी, नहीं तो पासपोर्ट लेने की जरूरत, आपको अपने पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको कहीं पे भी अपनी एज प्रूफ करनी है। तो उसके लिए आपको एक आईडी चाहिए, या तो आपके पास एक चॉइस है यार, या तो आके यहाँ पर आप डीएल बनवा लो। डीएल का क्या, क्यों नहीं बनवा रहा मैं वो भी बताता हूँ अभी। डीएल बनवाओगे उसमें पहले, डीएल बनवा लोगे तो फिर तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आप डीएल अभी नहीं बनवा रहे हो किसी भी वजह से। सो या फिर आपके पास दूसरा कोई चॉइस ऑप्शन होता है कि भाई आप अपना ऐसी हर जगह पर पासपोर्ट लेके जाओ, जो मुझे यार बड़ा, अभी तक मैं पासपोर्ट लेके जाता था, जो मुझे यार बड़ा इनकन्वीनियंट लगता था, क्योंकि एक तो यार टेंशन हो जाती थी कि भाई खो खा ना जाए, फिर उसका ध्यान रखो, तो इन सब चीज़ों की वजह से तो मैंने डिसाइड करा यार एक आईडी बनवा लेते हैं अपनी। आईडी का कितना चार्ज है, आईडी का कितना चार्ज है वो बता देता हूँ। आईडी, एक ऑनटेरियो आईडी बनती है आपकी $35 की, तो इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है यार। अब ऐसा नहीं है यार कि मुझे, मेरा इंडिया में डीएल नहीं था, डीएल मेरा था और मुझे कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है, पर मैं इंडिया से जब आया था अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लेके नहीं आया था। डीएल एक्सट्रैक्ट क्या होता भाई, आप इंडिया से आ रहे हो और अगर आपके पास वहाँ पर डीएल था और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी था, तो वहाँ से डीएल लेके आओ, डीएल एक्सट्रैक्ट निकलवा के लाओ। मतलब उससे क्या होगा, आप एक तो जब यहाँ पर जीवन दोगे आपका प्राइस कम लगेगा जीवन का, दूसरा आप G2 स्किप कर पाओगे। यहाँ पर जैसे जो यार अब ड्राइविंग के लाइसेंस होते हैं ना हमारे, जैसे इंडिया में दो होता है, पहला लर्निंग लाइसेंस, दूसरा होता है हमारा नॉर्मल, मतलब जो लाइसेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, 3 स्टेज होती है, सबसे पहले आपका G1, उसके बाद G2। G2 में यार आप हर जगह गाड़ी चला सकते हो, बट हाईवेज पे नहीं चला सकते। लास्ट आता है हमारा जो, मतलब एक तरीके से पूरा पक्का लाइसेंस जैसे बोलते हैं, वो हो गया हमारा G, उसमें आप आराम से गाड़ी वाड़ी कुछ भी चलाओ। सो, अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट होगा, आप इंडिया से लेके आए हो, बड़ा सस्ता निकल जाता है इंडिया से यार। सो, आप पहले जीवन में प्राइस कम लगेगा, दूसरा आपका G2 स्किप हो जाएगा, उसका भी प्राइस बच जाएगा, तो पैसे अच्छे खासे बच जाएंगे। तो मैं यार जब इंडिया जाऊँगा तो अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आऊँगा, इसलिए मैं अभी अपना यहाँ पर डीएल नहीं बनवा रहा, उसकी जगह अपनी ओंटारियो आईडी बनवा रहा हूँ। ये रहा फैंशो का डाउनटाउन वाला, अभी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो मैं एक बार आपको, अंदर जब मेरा सब प्रोसेस हो जाएगा मैं जाता हूँ। हर एक सिटी में 3-4 ऑफिस होते हैं सर्विस ऑनटेरियो के, तो आप सर्च कर लेना ऑनलाइन सर्विस ऑनटेरियो ऑफिस, तो आपको मिल जाएगा मैप्स पे। पहले मैं अंदर जाता हूँ यार, बनवाता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे कन्फर्म करके। यार इन्फॉर्मेशन ले लिए, लाइन तो थी नहीं कुछ सच, तो मैं बताता हूँ यार यहाँ पर अपना सीन क्या है। यहाँ पर गया अपना कट कैसे गया यार, यहाँ पर क्या अजीब सा ही साला रूल है, अगर आपको फोटो आईडी चाहिए तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो पहली बात तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर कैनेडा में, तो आपको
फोटो आईडी की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास इंडिया का भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो पहले ही उस ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल करेंगे। मतलब कि अगर आप यहाँ पर फोटो आईडी बनवा रहे हो तो आप इंडिया में जाके आपको अपना पास डीएल दोबारा बनवाना पड़ेगा। जो यार कोई सेंस है नहीं, पता नहीं मतलब क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके रूल है। सो आप किसके लिए यूज़फुल होगा यार फोटो आईडी बनवाना, अगर आप सपोज 12th के बाद ही इंडिया से आ गए हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कभी था ही नहीं। ठीक है, सो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप यहाँ पर आके बनवा लेना। अदरवाइज़ तो यार एज सच कुछ आप डायरेक्ट, अगर आपके पास इंडिया से है तो डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आना और फिर फ़ोटो यहाँ से अपना मतलब अपना जीवन और फिर जी निकलवा लेना। फ़ोटो आईडी इसकी ओंटारियो आईडी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यार यही था आज का ओंटारियो आईडी के लिए। बट अगर आप ओंटारियो आईडी बनवा रहे हो तो आपके पास डीएल नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है आपके, मोस्टली पासपोर्ट ही चाहते हैं, बट पासपोर्ट के साथ अपना वर्क परमिट भी लेकर आना कभी इनको रिक्वायरमेंट हो तो। बट पासपोर्ट ही मेन होता है, एक आईडी ऑफ कोर्स, जिससे आपकी बर्थ नेम वेम लीगल नेम प्रूफ हो सके। सो पासपोर्ट प्लस आपका वर्क परमिट, ये दोनों चीज़ें लेकर आना जब भी आप जा रहे हो बनवाने के लिए। सो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक आपको दिखा देते हैं एक बार नज़ारे आगे।